नमस्कार जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर ग्रह एक निश्चित समय अंतराल पर एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं। ये गोचर किसी के लिए सकारात्मक रहता है तो किसी के लिए नकारात्मक साबित होता है। आपको बता दें, सूर्यदेव 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ वह 17 अगस्त तक विराजमान रहने वाले हैं। ज्योतिष में सूर्य का संबंध प्रिता, प्रशासनिक पद, प्रतिष्ठा और सम्मान से होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रह जिस भी राशि में राशि परिवर्तन करते हैं, उस राशि के जातकों पर इन सभी संबंध का प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि 17 अगस्त तक कर्क राशि में विराजमान रहने वाले सूर्य ग्रह के गोचर से किस राशि के जातकों पर क्या असर पड़ने वाला है। सूर्यदेव के गोचर से आप लोगों को विशेष धन लाभ हो सकता है। सूर्य ग्रह ने आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर किया है, जिसे धन और वाणी का भाव कहा जाता है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। साथ ही अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो इस समय आपको मिल सकता है। साथ ही इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वहीं इस समय आपको नई नौकरी मिल सकती है। सूर्यदेव का गोचर आप लोगों को लाभप्रिय साबित हो सकता है। आपकी गोचर कुंडली से सूर्य ग्रह का संचरण 11वें स्थान में हुआ है, जिसे इनकम और लाभ का स्थान कहा जाता है। इसलिए इस समय आपकी इनकम में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आय के नए माध्यम से आप धन कमाने में सफल होंगे। वहीं आपको व्यापार में आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। इस समय आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर धन कमा सकते हैं। ये समय आपके लिए लाभप्रिय साबित हो सकता है। सूर्य ग्रह के गोचर करते ही आपकी जिंदगी में अहम बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि से दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिसे व्यापार और जॉब का स्थान माना जाता है। इसलिए इस दौरान आपको नई जॉब का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही अगर आप जॉब में कार्यरत हैं तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। वहीं इस दौरान आपके काम करने की शैली में भी निखार आएगा, जिसे आपकी कार्यस्थल पर तारीफ हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही ग्रह गोचर से जुड़ी ऐसी तमाम स्टोरियां देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।